तो ये बात है एक सुबह की। मैं इसी सुबह उठा और मैंने चेक करा अपना डीएम, तो उसमें मेरा दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलता था कि मुझे फेस को रिपोर्ट करना है, तो वो लूजिंग करें टेक्सचर। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या आप कैसे कर सकते हैं अपनी फेस को एकदम स्मूथ। तो जल्दी से कर लेते हैं पीएस टच एप्लीकेशन को ऑन और जल्दी से कर लेते हैं अपने फोटो को सिलेक्ट। तो अब हमें जाना है इफेक्ट में और जाना है आर्टिस्ट वाले ऑप्शन में और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाकर इसको कर देना है सिर्फ पर एक सेकेंड। इन सबका रिटचिंग से क्या लेना देना है तो मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा लास्ट में। तो अभी के लिए कर लो सेव। अब आ जाना है बाहर, अब हमें जाना है रिटचिंग पर और स्मूथ पर कर देना है क्लिक। पर एक वार्निंग कि 3 बार से ज़्यादा मत करना अपने फेस को रिटच। क्यों? क्योंकि मेरे को पसंद है थोड़ी सी रियल लुक एडिटिंग में जो आती है आपके चेहरे से, बहुत ही प्यारी सी बन देती हुआ फोटो में मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों पर मैंने इंटरनेट पे जितनों को भी देखा है वो बहुत ज़्यादा ही रिटचिंग करते एकदम हाई एंड रिटच, पर मेरे को थोड़ा सा, मैं पर्सनली एक बार ही यूज़ करता हूँ इस ऐप को रिटच को, और इसको भी 70 के आसपास ही अमाउंट को रखता हूँ। पर आपको कभी करना है तो 2 से 3 बार कर सकते हो 100% पर। और इसका एक और रीज़न है कि जब आपको आपके फोटो एडिटिंग को कोई देखता है और जब आपको रियल में कोई देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा, वैसे ही जैसे आप किसी लड़की को फिल्टर में देखने के बाद रियल में देखते हैं नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके रियल लुक रखने की कोशिश करें अपने एडिटिंग में। तो अब इसे जल्दी से कर लेते हैं, 2 बार इस वीडियो में 2 बार कर रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ इतनी बार, और 100% पे करके कर देता हूँ सो जिससे आपको पता चले जैसे आप करते हो रिटच वैसे ही कुछ देखने को मिले। अब जाना है मेट्रो टूल में और ऐड कर लेना है वही पहले वाली फोटो जो मैंने सेव करवाई थी, तो जल्दी से उसको कर लेना है ऐड और इसके ब्लेंडिंग मोड को कर लेना है ओवरले। तो इसी के बाद आता है सबसे मेन पार्ट। तो इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले करने के बाद अब हमें इसकी ओपेसिटी के साथ खेलना है, वो भी बहुत समझ गए, क्योंकि ये जरा सी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए आपकी फ़ोटो के हिसाब से, तभी ये अच्छा लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा ओवर जा सकता है या तो फिर वापस वही स्मूथ स्किन नहीं दिखेगी, टेक्सचर नहीं दिखेगा। तो इसका बेस्ट अमाउंट 85 से 90 तक है, तो आप वहाँ तक आराम से जा सकते हैं आँखें बंद करके, पर उसके आगे जाना हो तो आपकी मर्जी, तो कोई बात नहीं है। पर हमेशा याद रखना कि फ़ोटो हो या फिर जिंदगी, ठीक से बैलेंस ना करें ना तो बिगड़ सकती है।